जैसे कि आपको यहाँ पे 1 दिसंबर, सॉरी 1 अप्रैल का एक ट्रांजेक्शन दिया है, 2022 का 1 अप्रैल का। बिजनेस स्टार्टेड विद बिल्डिंग ₹50 लाख एंड फर्नीचर ₹30,000। तो यहाँ पे ये लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है जिसमें उनके पास 50 लाख का बिल्डिंग है और फर्नीचर कुछ ₹30,000 का है। तो ये जो ट्रांजेक्शन है, अगर आप सब्सिडरी बुक्स बनाओगे तो ना तो परचेस बुक में जाएगा ना तो सेल्स बुक में जाएगा। परचेस रिटर्न सेल्स रिटर्न में भी आप नहीं लिख पाओगे, कैश बुक में भी नहीं लिख पाओगे क्योंकि यहाँ पे कोई कैश का ट्रांजेक्शन नहीं है। तो इस तरीके के अगर कोई ट्रांजेक्शन होते हैं जब बिजनेस स्टार्ट किया हो, तो उस टाइम पे जो ओपनिंग एंट्रीज पास होगी वो आप जर्नल एंट्री करके पास करोगे। मतलब इसके लिए आपको जर्नल बनाना पड़ेगा। सब्सिडरी बुक्स वहां पे जो है उसमें से जर्नल प्रॉपर जो है वो लास्ट वाले में इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑन 1 अक्टूबर दिया है कि गुड्स ऑफ ₹200 बर्न्ड बाय फायर, ₹200 का गुड्स आग में जल गया। अब देखो ये गुड्स हमने सेल नहीं किया है, गुड्स आग से जल जी चुका है, तो इसको हम सेल्स बुक में नहीं रिकॉर्ड कर सकते, तो उसके लिए हमें जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। उसी तरीके से 2 अक्टूबर का एक ट्रांजेक्शन दिया हुआ है कि गुड्स ऑफ ₹500 विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए ₹500 का गुड्स विड्रॉ किया। तो ये कोई सेल्स नहीं है, ओनर ले गया है। आप इसको कैश बुक में नहीं लिख सकते, आप उसको सेल्स बुक में भी नहीं लिख सकते, तो उसके लिए आपको एक अलग से जर्नल एंट्रीज पास करना पड़ेगा। लास्ट में आपको बताया कि कार ऑफ ₹4 लाख ब्रॉट बाय ओनर एज एडिशनल कैपिटल, बिजनेस का जो ओनर है ₹4 लाख का कार बिजनेस में लेके आता है एक एडिशनल कैपिटल के तौर पे। देखो कैश नहीं ला रहा है, अगर वो कैश लाता तो हम कैश बुक में लिखते, यहाँ पे वो एक असेट लेके आ रहा है, तो उसके लिए हमें जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो सारे ट्रांजेक्शंस जो आप परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, या तो बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक और कैश बुक में अगर आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए जर्नल एंट्रीज पास होगी। तो इनका जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं हम। इसके लिए हम इसके साथ हमारा जर्नल एंट्रीज का थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा क्योंकि बहुत दिनों से हमने जर्नल एंट्रीज देखा नहीं है। तो जर्नल एंट्रीज के कॉलम्स तो आप सबको ही पता है कि जर्नल एंट्रीज में हम सबसे पहले तो डेट का एक कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक डेट का कॉलम बना दिया है। सबसे पहले डेट का कॉलम होगा, फिर उसमें आएगा पर्टिकुलर्स का कॉलम, और हम एक बनाते हैं यहाँ पे लेजर फोलियो नंबर और डेबिट अमाउंट रुपीस एंड क्रेडिट अमाउंट रुपीस, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट के लिए दो अमाउंट के कॉलम बनते हैं। तो इस तरीके से जर्नल का कॉलम्स है। तो अगर आप जर्नल नहीं पढ़े हो तो यहाँ पे वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब ये हम बना क्या रहे हैं, हम अभी जर्नल प्रॉपर बना रहे हैं जो एक्चुअली जर्नल ही है, कुछ नया कुछ नहीं है यहाँ पे। सो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर जर्नल। चलो सबसे पहले जर्नल में कॉलम होता है डेट वाला कॉलम होता है, सेकंड वाला कॉलम जो होगा वो पर्टिकुलर्स का होगा। तो अगर आप नहीं पढ़े हो जर्नल एंट्रीज तो वो भी यहाँ पे थोड़ा रिवीजन हो जाएगा आपका। फिर जो होता है लेजर फोलियो नंबर होता है, फिर हमारा एक कॉलम बनता है डेबिट अमाउंट, जिसमें हम जो अमाउंट डेबिट होगा वो लिखेंगे, और लास्ट में जो कॉलम होता है क्रेडिट का कॉलम होता है, जो अकाउंट क्रेडिट होगा उसका अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरीके से जर्नल बनानी होती है। जो ट्रांजेक्शन आप सब्सिडरी बुक्स, जो दूसरी सब्सिडरी बुक्स है उसमें नहीं रिकॉर्ड कर सकते हो, तो उनके लिए जर्नल आप बनाओगे। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले तो है यहाँ पे आपको दिया है 2022, तो डेट में आपको लिख देना है 2022 ताकि बार बार लिखना ना पड़े। अब आपको फर्स्ट ट्रांजेक्शन दिया है 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल का आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन है। देखो 1 अप्रैल को आपको यहाँ क्या बताया है, बिजनेस स्टार्टेड विद बिल्डिंग ₹50 लाख एंड फर्नीचर। अब
यहाँ पे फिर से वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट स्टार्ट होते हैं। मैंने आपको बताया देर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। चलो आप लोग में से कोई बताएगा मुझे पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? जानवी मानसी, व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट? हमने सिक्स रूल्स पढ़े थे, अगर आपको रूल्स आते हैं तो अकाउंटेंसी आपके लिए बहुत इजी है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वेरी गुड। अच्छा रियल अकाउंट का क्या रूल बनेगा? रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और लास्ट वाला था हमारा नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स एंड प्रॉफिट। तो ये तीन रूल जो है अगर आपको अच्छी तरह से पता है तो आप कोई भी जर्नल एंट्री पास कर सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो 1 अप्रैल को हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, 50 लाख का बिल्डिंग बिजनेस में आ रहा है, फर्नीचर 30 लाख 30,000 का आ रहा है, तो दोनों असेट्स हैं तो रियल का रूल लगेगा। और रियल का रूल हमें क्या बताता है? डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस। तो ये दोनों बिजनेस में आ रहे हैं तो इन दोनों को डेबिट करेंगे, तो आपकी एंट्री इस तरीके से बनेगी। एंट्री में आप क्या करोगे? बिलिंग अकाउंट डेबिट करोगे। अच्छा डेबिट हम लिखते हैं एलएफ के बाजू में, एलएफ वाला जो कॉलम है हमारा वहां पे बाजू में हम डेबिट लिखेंगे, डेबिट। और डेबिट वाले कॉलम में आप अमाउंट लिखोगे बिलिंग का, जो अमाउंट दिया है आपको 50 लाख, वो 50 लाख आप वहां पे लिखोगे। और क्रेडिट में आपको डैश करना है। तो बिलिंग अकाउंट हमने डेबिट किया, साथ में हमारे पास फर्नीचर भी आ रहा है तो दूसरा अकाउंट हमारा यहाँ बन रहा है फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट जो होगा उसको आप डेबिट करोगे, फर्नीचर अकाउंट को भी डेबिट किया जाएगा। फर्नीचर का अमाउंट है खाली 30,000 रुपीज है तो 30,000 रुपीज लिखेंगे हम, और क्रेडिट के कॉलम में डैश। तो ये आपका डेबिट का हो गया। अब बिजनेस स्टार्ट किसने किया? तो ओनर ने स्टार्ट किया, और ओनर अगर बिजनेस में कुछ भी लाता है तो उसको बोलेंगे कैपिटल, और कैपिटल अगर बिजनेस में बढ़ता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पे ये दो अकाउंट डेबिट हो गए और हमारा तीसरा अकाउंट जो होगा वो होगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। क्यों क्रेडिट करोगे? क्योंकि यहाँ पे जो अमाउंट है वो बिजनेस का ओनर ला रहा है। अगर नहीं बताया तो मतलब तो यही हुआ कि बिजनेस का ओनर लाया है। तो ये आपका फर्स्ट एंट्री हो गया, इसको बोलेंगे ओपनिंग एंट्री, कि जब बिजनेस स्टार्ट किया तब जो ओपनिंग एंट्रीज पास किया जाता है तो उसके लिए आपको जर्नल प्रॉपर बनाना पड़ेगा। बाद में एक छोटा सा हम नरेशन लिखते थे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ताकि लोगों को पता चले कि ये किस चीज का ट्रांजेक्शन है। फिर हम क्या करते थे, पर्टिकुलर्स में खाली पर्टिकुलर वाला जो कॉलम है हमारा वहां पे हम लाइन ड्रॉ कर देते थे इस तरीके से, मतलब ये हमारा एक ट्रांजेक्शन खत्म हुआ। तो ये आपकी पहली जर्नल एंट्री बनी जिसको जर्नल प्रॉपर बोलेंगे। इसको हमने यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि दूसरी सब्सिडरी बुक्स में उसके लिए जगह नहीं है। चलो समझ में आ रहा है आपको? अब मैं सेकंड ट्रांजेक्शन लेने जा रहा हूं। अच्छा स्पेस कम है इसलिए जो अभी एंट्री की है उसको थोड़ा इरेज कर दूंगा ताकि स्पेस बनी रहे। तो अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो हमारा है वो है 1 अक्टूबर को।
अब 1 अक्टूबर को क्या हुआ है, गुड्स ऑफ ₹200 बर्न्ड बाय फायर, आग से हमें नुकसान हुआ, ₹200 का गुड्स आग में जल चुका है। तो यहां पे फिर से हमें सोचना पड़ेगा वो डेबिट क्रेडिट के रूल। सबसे पहले तो आग से माल जल गया है तो लॉस हुआ, और आपको नॉमिनल का रूल पता है, अगर कोई भी लॉस होता है, कोई भी एक्सपेंस होता है तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो यहां पे हमारा एक अकाउंट बनेगा, यहां पे लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट, और उसको आप डेबिट करोगे बिकॉज ऑल लॉसेस आर डेबिटेड, और लॉस हमें हुआ है ₹200 का, तो उसको डेबिट के कॉलम में आप बताओगे। ये हुआ लॉस ड्यू टू फायर। अब सवाल है क्रेडिट क्या करना है। तो आप सोचो इस ट्रांजेक्शन में आपके बिजनेस से कुछ जा रहा है, तो यस हमारे बिजनेस में से क्या हो रहा है, हमारे बिजनेस का गुड्स बर्न्ड हो गया, भले किसी को सेल नहीं किया पर इतना माल हमारा चला गया बिजनेस से। तो जब भी आपके बिजनेस से गुड्स जाएगा, सेल करोगे तो आप सेल्स अकाउंट लिखोगे क्रेडिट में, और कोई दूसरी तरीके से जाएगा तो आप बता सकते हो परचेस, कि आपने जो परचेस किया हुआ गुड्स था वो कम हो चुका क्योंकि उसमें से कितना गुड्स जल चुका है, तो परचेस का एक्सपेंस होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। पर यहाँ पे परचेस कम लेते हैं हम, जब गुड्स परचेस करेंगे तभी परचेस अकाउंट डेबिट होता है। तो यहाँ पे परचेस किया हुआ गुड्स हमारा कम हो चुका है हमारे लॉस की वजह से, तो आप परचेस अकाउंट क्रेडिट करोगे, परचेस अकाउंट को क्रेडिट करोगे कि इतना हमारा परचेस अब कम हो चुका है। अच्छा, बहुत सारी बुक्स में आप देखोगे तो परचेस अकाउंट लिखने की जगह पे वो लोग दूसरा भी एक अकाउंट लिखते हैं। अगर किसी को परचेस नहीं लिखना है तो वो लिख सकता है टू गुड्स बर्न्ड बाय फायर, ऐसा भी आप बता सकते हो कि आग से माल का जो नुकसान हुआ हो। अब यहाँ पे आप देखो, पहले में मैंने लॉस वर्ड यूज किया है क्योंकि वहां पे नॉमिनल का रूल अप्लाई किया है, जबकि यहाँ पे मैंने टू गुड्स बर्न्ड बाय फायर क्योंकि यहाँ पे गुड्स हमारे बिजनेस से जा रहा है, रियल अकाउंट का रूल लागू होगा, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अगर आपको गुड्स बर्न्ड बाय फायर नहीं लिखना है तो आप चाहो तो वहां पे परचेस लिख सकते हो, क्योंकि गुड्स बर्न्ड हुआ है इसलिए, तो हमने जो परचेस किया हुआ माल है वो कम हो चुका है। यहाँ पे नरेशन भी आप उस तरीके से बता देगा बीइंग गुड्स बर्न्ड बाय फायर। तो इस तरीके के जो भी ट्रांजेक्शंस है जो आप सब्सिडरी बुक्स में नहीं रिकॉर्ड कर पाओगे, उनके लिए इस तरह से जर्नल प्रॉपर आपको बनाना है। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका है 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, जिसमें आपको बताया गुड्स ऑफ ₹500 विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस का ओनर बिजनेस में से ₹500 का गुड्स ले जा रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए। अब देखो, ओनर बिजनेस में कुछ लाता है तो उसे कैपिटल बोलेंगे हम, पर अगर ओनर बिजनेस से कुछ ले जाता है, कोई असेट ले जाता है, गुड्स ले जाता है, तो उसको हम ड्रॉइंग्स बोलेंगे, ड्रॉइंग्स। तो यहाँ पे हमारे 2 अकाउंट बन रहे हैं, एक तो हमारा ड्रॉइंग अकाउंट बन रहा है क्योंकि ओनर गुड्स ले जा रहा है, और दूसरा जो मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी तरीके से अगर बिजनेस से गुड्स जाता है अपार्ट फ्रॉम सेल्स, तो वहां पे परचेस वर्ड यूज करना है कि आपने जो परचेस किया हुआ गुड्स था वो उतना कम हो चुका, उसको क्रेडिट कर देंगे। तो यहां पे आपकी एंट्री बनेगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे, और डेबिट वाले कॉलम में आप लिख दोगे 500। दूसरा,
यहाँ पे गुड्स हमारे बिजनेस से जा रहा है, ओनर ले जा रहा है, तो ये सेल्स नहीं है, तो ड्रॉइंग टू सेल्स आप नहीं लिख सकते बिकॉज हमने माल बेचा नहीं है, ये तो ओनर ले गया, और ओनर ले जाता है तो जो परचेस किया हुआ गुड्स से हमारा कम हो जाएगा, मतलब तो यहां पे आपको लिखना है टू परचेस। जैसे पहले वाले ट्रांजेक्शन में गुड्स बर्न्ड बाय फायर में भी मैंने परचेस बताया था कि अगर किसी भी तरीके से गुड्स बिजनेस से जा रहा है तो आपको परचेस अकाउंट क्रेडिट करना है, तो यहां पे भी आप परचेस अकाउंट क्रेडिट करोगे। अगर आपको परचेस नहीं लिखना है तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, आप लिख सकते हो यहाँ पे टू गुड्स विड्रॉन बाय ओनर, ये भी आप बता सकते हो, पर अभी ये पुरानी बुक्स में आपको देखने को मिलेगा, नई वाली बुक्स में ज्यादातर परचेस लिखा हुआ होता है तो हम परचेस वर्ड ही यूज करेंगे। ऐसे दोनों सही है पर आप परचेस वर्ड लिखो, दैट इज मोर बेटर बिकॉज नाउ मोस्ट ऑफ द बुक्स आर राइटिंग परचेस इफ द गुड्स गो फ्रॉम बिजनेस बाय एनी वे अपार्ट फ्रॉम सेल्स, सेल्स होगा तो सेल्स लिखेंगे, बाकी की जगह परचेस लिखना है। बाद में हम एक छोटा सा नरेशन यहाँ पे दे देते हैं जिसमें हम ब्रीफ इंफॉर्मेशन देते हैं, बीइंग गुड्स विड्रॉन बाय ओनर, इस तरीके से आपको एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी है। जिसे नरेशन बोलते हैं। नरेशन लिखने के बाद आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होती है और वो खाली पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में, ताकि पता चले कि एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है। तो इस तरीके से जर्नल प्रॉपर बनाई जाती है फॉर दोज ट्रांजेक्शंस विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन अदर सब्सिडरी बुक्स। अब हमारे पास एक और ट्रांजेक्शन से 5th अक्टूबर का, उसको ले लेते हैं 5th अक्टूबर वाला ट्रांजेक्शन। तो चलो 5th अक्टूबर के ट्रांजेक्शन में आपको क्या बताया है, सबसे पहले तो 5th अक्टूबर, आपको बोला है कार ऑफ रुपीज 4 लाख ब्रॉट by owner as additional capital, business का owner business में एक कार लेके आ रहा है, अपनी personal कार जो है वो business के लिए use करेगा और वो capital के तौर पे लाएगा। तो देखो business में क्या आ रहा है, क्या कार आ रहा है, और कार एक asset है और asset में हमें real का rule apply करना है, और real का rule क्या बोलता है, debit what comes in business, तो here कार बिजनेस में आ रहा है तो इसके लिए आप वर्ड यूज करोगे व्हीकल, व्हीकल अकाउंट विल बी डेबिटेड, व्हीकल अकाउंट डेबिट करोगे आप, बिकॉज द रूल ऑफ रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, और आप उसका अमाउंट लिख दोगे 4 लाख रुपीज हमारे बिजनेस में आ रहा है, इसलिए ये रियल का रूल है कि रियल के रूल के हिसाब से बिजनेस में अगर कोई असेट आती है तो डेबिट करते हैं। अब दूसरा अकाउंट तो यहाँ पे दे कौन रहा है, इट इज गिवन बाय द ओनर, और मैंने आपको बताया था जब भी ओनर कुछ बिजनेस में देता है तो उसे कैपिटल बोलेंगे, एंड कैपिटल इज हैविंग द क्रेडिट बैलेंस, या तो आप ऐसा भी सोच सकते हो पर्सनल का रूल अप्लाई करके, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, सो हु इज द गिवर, गिवर इज द ओनर, तो उसको क्रेडिट करो, तो क्रेडिट आप करोगे टू कैपिटल, कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट इसलिए करोगे क्योंकि पर्सनल का रूल अप्लाई हो रहा है, अमाउंट इज गिवन बाय द ओनर, दैट्स व्हाई क्रेडिट द गिवर, उस हिसाब से यहाँ पे 4 लाख रुपीज हमने क्रेडिट कर दिया। मॉर्डन के रूल से आप सोच सकते हो कि अगर बिजनेस में कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होगा,
अगर बिजनेस में असेट बढ़ता है तो डेबिट होगा, तो मॉडर्न वाला रूल अप्लाई करोगे तो भी आंसर यही रहेगा। मॉडर्न के रूल के हिसाब से अगर आप देखो, मॉडर्न रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या बताता है, अगर असेट बढ़ेगा तो डेबिट करो, तो यहाँ बिजनेस में व्हीकल बढ़ गया इसने डेबिट किया। मॉडर्न के रूल्स के हिसाब से देखें, अगर कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, तो यहाँ पे 4 लाख से कैपिटल बढ़ जाता है क्योंकि ओनर ला रहा है, इसलिए कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया 4 लाख से। बाद में आप इसके बारे में एक छोटी सी ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे दोगे, बीइंग कार ब्रॉट बाय ओनर इन बिजनेस, बिजनेस के यूज के लिए ओनर कार ला रहा है इसलिए हमने उसको कैपिटल बताया है। जैसे ही ट्रांजेक्शन खत्म होता है आपको पर्टिकुलर्स में एक लाइन ड्रॉ कर देना है। चलो समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, तो चलो बताओ, तो पर जर्नल प्रॉपर में हम कौन से ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं? विच ट्रांजेक्शन वी रिकॉर्ड इन जर्नल प्रॉपर? बोलो वो कौन से ट्रांजेक्शन है जो जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे हम? हाँ बोलो, असेट्स के? नहीं, ऐसा मैंने नहीं बताया। मैंने आपको ऐसा बताया कि जो ट्रांजेक्शन दूसरी सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगे वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करोगे। अच्छा, सब्सिडियरी बुक्स कौन सी है? परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, कैश बुक, ये सारे सब्सिडियरी बुक्स है। अब इन बुक्स में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होते हैं वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किए जाते हैं। आ रहा है समझ में? यस। चलो अब मैं कुछ ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं, आप मुझे बताओगे कि कौन सी बुक में जाएगा। ऑप्शंस में आपको बता देता हूं, देखो मैंने क्या लिखा है, सजेस्ट इन विच बुक यू विल रिकॉर्ड फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। तो अब वन बाय वन में आपको सारे ट्रांजेक्शंस बता रहा हूं वन बाय वन, क्या आप उसको कौन सी बुक में लिखोगे। मैं ट्रांजेक्शन लिखता हूं, आप सोचना कि इसको कौन सी बुक में आप रिकॉर्ड करोगे, इन विच बुक इट विल बी रिकॉर्डेड। चलो मैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं, आप लोग सोचो, बाद में मैं आपको पूछ रहा हूं, पहले आप डिसाइड कर लो कि कहां पे आप इसको रिकॉर्ड करोगे। यू जस्ट थिंक, देन आई एम आस्किंग यू लेटर ऑन।
आप लोग सोचो कि कौन सा ट्रांजेक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड होगा। 10 ट्रांजेक्शन में आपको दे रहा हूं, देर आफ्टर वी विल डिस्कस चलो 9 लेते हैं। चलो आप लोगों ने ट्रांजेक्शन यहाँ पे देख लिए हैं, अब आप मुझे ये बताओगे कि कौन सा ट्रांजेक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड होगा। बराबर है, रेडी? चलो बताओ, फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन कौन सी बुक में रिकॉर्ड करोगे? कैश बुक। वेरी गुड, इसको आप कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे क्योंकि यहाँ पे कैश में सेल्स हुआ है, फर्स्ट विल गो इन द कैश बुक। वेरी गुड। सेकंड वाला ट्रांजेक्शन जिसमें आपने गुड सेल किया है, चेक मिला है, बोलो कहाँ रिकॉर्ड करोगे? बैंक। हाँ, बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, पर कौन सी बुक में? बुक, आपके पास बुक के ऑप्शन क्या है? कैश बुक। हाँ, कैश बुक है, परचेस बुक है, सेल्स बुक है, परचेस रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल और जर्नल प्रॉपर, इतनी बुक्स में से कौन सी बुक में जाएगा? एक कैश बुक में जाएगा। सही है, कैश बुक इज द करेक्ट आंसर, पर कैश बुक में जो बैंक का कॉलम है उसमें हम रिकॉर्ड करेंगे और वो भी रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड करेंगे। चलो आगे का सोचो, थर्ड नंबर वाला बताओ। गुड्स ऑफ रुपीज सेल्स बुक सोल्ड टू मिस्टर जीत। वेरी गुड, हमने मिस्टर जीत को माल बेचा हुआ है और नाम दिया है, मतलब एक क्रेडिट में हुआ सेल और यहाँ पे कहीं पे भी लिखा नहीं है कि हमको कैश मिला, दैट्स व्हाई इट विल गो इन द सेल्स बुक। वेरी गुड, अगर ये डिसीजन आप ले सकते हो तो आप बुक इजीली बना सकते हो। अच्छा, परचेज कंप्यूटर ऑफ 45,000 रुपीज, पहले तो ये सोचिए कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट, बोलो उधार खरीदा है या रुकड़े से खरीदा है? कैश ट्रांजेक्शन है। कैश ट्रांजेक्शन है, और कैश ट्रांजेक्शन हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में। वेरी गुड, कैश बुक में जाएगा। सही है, एकदम सही आंसर है, कैश बुक में जाएगा। गुड। अच्छा, फिफ्थ नंबर में आप देखो, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 43,000 फ्रॉम सोनल एंड मार्ट, दुकानदार का नाम दिया है, वहां से हमने गुड्स खरीदा है, बोलो कौन सी कैश बुक्स में? बेटा यहाँ कैश में नहीं खरीदा है, देखो यहाँ पे हमने खरीदा है माल, पर कहीं पे भी तो लिखा नहीं है कि हमने कैश पे किया। हाँ, नाम दिया है बाजू, परचेस, यस इट विल गो इन परचेस बुक। जब आपको पता चले कि क्रेडिट परचेस है तो वो परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा, ना कि कैश बुक में। अब इसी में मान लो, इसी ट्रांजेक्शन में मान लो अगर ये पीछे फ्रॉम सोनल मार्क लिखा है वो नहीं दिया होता, मान लो खाली इतना नहीं दिया होता, सोनल मार्ट वाला इतना नहीं दिया होता मान लो ये, तो क्या होता? फिर वो कैश बुक में चला जाता है ना, तो वो कैश बुक। पर यहाँ पे सोनल मार्ट लिखा है इसलिए हम उसको परचेस बुक में लिखेंगे। चलो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 5,000 इन कैश, कैश में सेल किया है, जनरल प्रॉपर में, रॉन्ग, कैश बुक। कैश में कुछ भी सेल करो बेटा वो कैश बुक में जाएगा, वो गुड्स सेल करो या असेट सेल करो, अगर आप कुछ भी सेल करते हो कैश में तो वो कैश बुक में ही जाएगा। जहां पे कैश और चेक वर्ड आए वहां कुछ सोचना ही नहीं है, आपको डायरेक्टली उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर देना है। अच्छा, डिस्काउंट गिवन टू कस्टमर्स, जब हम कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं तो उतना पैसा उनसे कम लेते हैं, तो यहाँ पे 500 रुपया डिस्काउंट दिया तो ये हमारा एक तरह का एक्सपेंस हो गया, इसको बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड, 500 रुपीज का एक्सपेंस हो गया। तो देखो डिस्काउंट है, एक्सपेंस है, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए तो कोई सब्सिडियरी बुक है ही नहीं। अच्छा, डिस्काउंट गिवन मतलब
वो पैसा हमारे पास आया ही नहीं, किसी से 5,000 लेना था, आपने 500 रुपया कम लिया, मतलब आपके पास तो 4,500 ही आया, तो ये अमाउंट तो हमारे पास आई भी नहीं है, तो उसको कैश बुक में तो हम बता ही नहीं सकते अभी। जनरल प्रॉपर में तो आप चाहो तो जनरल प्रॉपर में इसको बता सकते हो। पर अगर मान लो, अब इसमें दो ऑप्शन है, अगर एक कैश डिस्काउंट है, अगर आपने कैश डिस्काउंट की बात कर रहे हो तो कैशबुक में कॉलम बना सकते हो आप डिस्काउंट अलाउड का, और वहां आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। पर अगर आपने वहां नहीं बनाया है तो आप जर्नल एंट्री पास करके भी इसकी एंट्री पास कर सकते हो, डिस्काउंट अलाउड टू सेल्स ऐसा बता के। ओके, नेक्स्ट है गुड्स ऑफ रुपीज 35,000 परचेस। 8 नंबर और 5 नंबर का डिफरेंस समझो और आंसर दो। गुड्स ऑफ 35,000 परचेस्ड, बताओ। कैश बुक। वेरी गुड, कैश बुक। 5 नंबर को हमने परचेस में लिखा था क्योंकि सोनल मार्क लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है इसलिए डायरेक्टली कैश परचेस हो गया। अच्छा, ओनर विड्रू कैश ऑफ रुपीज 5,000 फ्रॉम बिजनेस, बोलो। जनरल प्रॉपर। फिर से गलती कर दी, कैश दिया है बेटा, कैश। जब भी कैश वर्ड आएगा वो कैश बुक में जाएगा। आप कंफ्यूज इसलिए हो गए क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ओनर विड्रो गुड्स, तो वहां पे गुड्स विड्रो हुआ था, यहाँ पे कैश विड्रो कर रहा है वो। तो अगर गुड्स विड्रो करता है तो आप जर्नल प्रॉपर में लिख सकते हो, पर अगर कैश विड्रो करता है तो डेफिनेटली बिजनेस से कैश जा रहा है, तो उसको पेमेंट साइड आप बताओगे। तो आपको समझ में तो आ रहा है ना कि कौन सा ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करना है? Yes, sir. अब देखो, एक ट्रांजेक्शन आपको दिया है, गुड्स ऑफ रुपीज गिवन 400 गिवन एज चैरिटी। सबसे पहले तो ये बताओ क्या ये सेल्स है हमारा? सेल्स किया है हमने यहाँ पे, 400 रुपए का सेल किया है? नहीं, नहीं किया तो सेल्स बुक में तो जाएगा नहीं। अच्छा, यहाँ कोई 400 रुपया का कोई कैश भी नहीं दिया है तो कैश बुक में भी नहीं जाएगा, तो ना तो ये कैश बुक में जाएगा, ना तो ये सेल्स बुक में जाएगा, ना तो ये गुड्स का रिटर्न है, ये तो चैरिटी में दिया है। और जब आप चैरिटी में गुड्स दोगे तो हमारे पास ऐसी कोई सब्सिडियरी बुक नहीं है जहां पे आप रिकॉर्ड कर पाओ, तो फिर इसको कहां पे रिकॉर्ड करोगे? अब कहां बचा डायरेक्टली लास्ट वाला, जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर वहां पे इसकी जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। आप इस ट्रांजेक्शन की एंट्री पास कर दोगे कि आपने गुड्स दिया है चैरिटी में, तो आप लिख सकते हो इस तरह से एंट्री, चैरिटी अकाउंट डेबिट। चैरिटी अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे कि 400 रुपए का चैरिटी किया और गुड्स दिया, इसलिए मैंने आपको बताया था जब भी आपके बिजनेस से गुड्स जाता है तो परचेस अकाउंट आप क्रेडिट करोगे, क्योंकि उतना गुड्स बिजनेस से आपका कम हो रहा है तो परचेस अकाउंट आप 400 रुपए से क्रेडिट कर दोगे। तो ये वाला एंट्री आप जर्नल प्रॉपर में लिख पाओगे। सो वी कंप्लीट अवर सेशन हियर, नेक्स्ट लिंक आई विल शेयर यू आफ्टर 5 मिनट्स। सर, इसके असाइनमेंट आप डाल दोगे ना ग्रुप में? ये सारी पीपीटी आपको मिल जाएगा बेटा ग्रुप में, मैं सारी पीपीटी शेयर करूंगा।
मतलब क्लासरूम, गूगल क्लासरूम में शेयर करोगे या व्हाट्सएप में? गूगल क्लासरूम आप जहां पे बोलो, गूगल क्लासरूम में तो ऑलरेडी रखा हुआ ही, आप देख लेना ऑलरेडी इस पीपीटी वहां पे। ओके सर।